बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। वज़ाइफ़ के मुकद्दस सिलसिले के साथ हाज़िर ख़िदमत। नाज़रीने किराम, दुनिया भर से फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के ज़रिए जब आप हमें ये बताते हैं कि हमारे दिए हुए वज़ाइफ़ और औरात की बरकत से परवरदिगार आलम ने आपके दीनी, दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी मामलात में दस्तगिरी फरमाई है और आपके उलझे हुए काम सुलझ गए हैं, आपको अल्लाह ने सेहत याबी अता फरमाई है, तो इस पर हम भी और हमारा इदारा भी अल्लाह पाक के शुक्रगुजार होते हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया कि कुरान हकीम की जो सूरतें हैं या आयात हैं, इसके जुज़्व हैं या इसका बाज़ है, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है तो उसकी ताबीर क्या है। ये बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला जिसे आपने पसंद किया। आज सूरह नमल के हवाले से आपके सामने चंद गुजारशात अर्ज करेंगे। जिस शख्स ने ख्वाब में सूरह नमल की आयात तिलावत की, पूरी सूरह तिलावत की, या इसका नाम बार बार ख्वाब में उसकी आँखों के सामने आया, तो इसकी ताबीर ये है कि वो हक पसंदी के साथ सच्चे रास्ते को इख्तियार करते हुए तरक्की करेगा। अल्लाह ताला उसे दीनी और दुनियावी मामलात के अंदर खूब तरक्की अता फरमाएगा और वो इल्म और अमल में मशहूर होगा। बाज़ लोग होते हैं जो ख्वाब तो देखते हैं, ताबीर की तरफ नहीं जाते, लेकिन सूरह नमल की आयात या इसका पूरी सूरह तिलावत करने वाला या इसको ज़ियारत करने वाला वो इल्म के साथ साथ अमल से भी मामूर होगा, साथ साथ उसे दुनिया की दौलत भी नसीब होगी, तंग दस्ती का खात्मा होने वाला है उसका, और फिर अल्लाह ताला उसे राहत और सुकून की नेमत अता फरमाएंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी नेमत है कि इंसान टेंशन फ्री हो, इंसान को परेशानियाँ ना हों, बल्कि उसे राहत मिले और सुकून मिले। ये सूरा अपने साथ राहत और सुकून भी लेकर आती है। मज़ीद रानुमाई के लिए स्क्रीन पर मौजूद फ़ोन नंबर के ज़रिए आप हमसे राबता कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।